आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। देश में लॉकडाउन की स्थितियों के बीच केरल से एक बेहद मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। दरअसल अपने 65 साल के पिता को बीमार देखकर एक बेटा उन्हें अस्पताल ले जाने को सड़क पर दौड़ता दिखाई पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस शख्स के घर से 1 किलोमीटर पहले ही एक ऑटो को आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये ऑटो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने उसे रोक लिया तो बीमार बाप को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने के लिए उसका बेटा उन्हें गोद में लेकर के ही सड़क पर चलने लगा। यह पूरी घटना है केरल के पुनालूर शहर की। बताया जा रहा है कि बीमार पिता को अस्पताल ले जाने के लिए उसके बेटे ने एक ऑटो को घर बुलाया था। हालांकि पुलिस ने इस ऑटो को घर से 1 किलोमीटर दूर ही एक चेक पोस्ट पर ही रोक लिया। बता दें कि इसके बाद उसने किसी तरह से पिता को उस ऑटो तक पहुँचाया जिससे कि दोनों अस्पताल पहुँच सके। इस मामले में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से सवाल किया है। इस मामले में आयोग ने एक केस भी दर्ज किया है। आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि मरीज को ले जाने के लिए आए वाहन को किस स्थिति में रोका गया। हालांकि केरल की इस घटना को देखकर हर किसी ने इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया है कि पुलिस ने आखिर बीमार को अस्पताल ले जाने की स्थिति में भी वाहनों को आवाजाही की अनुमति क्यों नहीं दी। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने इसको लेकर के पुलिस की कार्यवाही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर कई लोगों ने ये भी लिखा था कि गरीब शख्स एम्बुलेंस के पैसे नहीं दे सकता था, ऐसे में उसे किसी सार्वजनिक वाहन से ही बीमार पिता को अस्पताल ले जाने को मजबूर होना पड़ा। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।